चैनल। आई एम योर मैथ्स गुरु। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो वी विल स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट। इसमें से जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि क्या वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि किसे हम कंसिस्टेंट कहेंगे और किसे इनकंसिस्टेंट कहेंगे। मैं यहाँ आपको एक क्विक रिकैप दे देती हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को कर लें। अगर आपको डिटेल में इसका बारे में जानना है तो आप प्लीज़ मेरे पिछले वीडियो पे जाके चेक करें। तो कोई भी सिस्टम कंसिस्टेंट तब होता है जब उसके पास एटलीस्ट एक सॉल्यूशन हो, और इनकंसिस्टेंट तब होता है जब होता है कि उसके पास कोई भी सॉल्यूशन ना हो। तो आगे क्या दिया हुआ है, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कोई सिस्टम कंसिस्टेंट है तो उसका जो सॉल्यूशन है वो हमें ग्राफिकली लेना है। तो क्वेश्चन पहला है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और जो दूसरा है वो है 2x + 2y = 10। अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो हम पहले a1 a2 b1 b2 सबकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a1 इक्वल्स टू 1, a2 इक्वल्स टू 2, b1 इक्वल्स टू 1, b2 इक्वल्स टू 2, c1 इक्वल्स टू 5 एंड c2 इक्वल्स टू 10। अब इनके हम रेशियो कंपेयर कर लेते हैं। तो a1 बाई a2 क्या होगा, 1/2 होगा। b1 बाई b2 क्या होगा, v1/2 होगा। और जो c1/c2 है वो क्या है, 5/10 विच इज इक्वल्स टू 1/2। ये कंडीशन है हमारी कोइंसिडेंट लाइन की। तो ये हमारी क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में हम जानते हैं क्या मिलेगी, हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और हम जानते हैं कोई सिस्टम कंसिस्टेंट तब होता है जब उसके पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है, बट यहाँ हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो सिस्टम होगा, हेंस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। हमारा क्या होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और यहाँ x और y का दो टेबल बना लेते हैं, और दूसरा हम लिखते हैं 2x + 2y = 10। इसका भी हम टेबल बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें y की क्या वैल्यू मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। अगर x की वैल्यू 0 तो वी गेट 5y = 5। सेम अगर हम y की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x = 5 बचेगा। तो हमें दोनों ही केसेस में जो मिल रहा है सॉल्यूशन वो क्या मिल रहा है, 0.5, और एक मिल रहा है 0.5.0। अब देखते हैं यहाँ हमें क्या मिलता है। अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2x = 10, यानी x = 5। तो y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू क्या मिली, 5। x की वैल्यू 0 तो हमें मिलेगा 2y = 10, यानी y = 5। यहाँ हमें क्या मिला, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। तो यहाँ हमें दोनों ही 0.5 और 5.0 दोनों ही केसेस में मिल रहा है, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। तो हमारा जो दोनों इक्वेशन हो, दोनों दोनों लाइन होगी वो एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगी या ओवरलैप्स करेगी। तो इसका ग्राफिकली हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ग्राफ ऑलरेडी प्लॉट कर लिया है, मैंने ग्राफ बना लिया। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसे प्लॉट करेंगे। तो पहला हमारा क्या था, 0.5 था, और एक था हमारा 5.0। ये हमारा पॉइंट होगा 5.0, और ये पॉइंट होगा 0.5। दोनों ही सिचुएशन में दोनों ही हमारे इक्वेशंस के सेम सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम दोनों लाइन को, एक लाइन को मैं ग्रीन से ड्रॉ करती हूँ और एक को मैं करती हूँ रेड लाइन से ड्रॉ। मैं इसी लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करती हूँ रेड लाइन से, ताकि हमारे दो लाइन्स पता चले, हमारे दो लाइन दोनों पे ओवरलैप्स हैं।
तो मैं दोनों लाइन को मेंशन कर देती हूँ। मान लेते हैं ये हमारी लाइन होगी x प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो, एंड ये वाली जो रेड वाली लाइन है वो इंडिकेट कर रही है हमारी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो हमें यहाँ से इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिल गया। अब क्वेश्चन इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, इसका सेकेंड पार्ट है x माइनस वाई इक्वल्स टू ए, और दूसरा है एंड 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। अब इसे हम थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस ऑफ 8 इक्वल्स टू ज़ीरो, और ये हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस ऑफ 16 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब a1 b2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, c1 c2। तो a1 की वैल्यू है 1, b1 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू है -8, a2 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है -3, c2 की वैल्यू माइनस ऑफ 16। तब रेशियो क्या आएगा, a1 by a2 आएगा 1/3, b1 by b2 आएगा -1/-3, ये क्या हो जाएगा 1/3 के इक्वल। c1 by c2 होगा -8/-16 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। तो हम देख रहे हैं a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू c1 by c2, और ये जो कंडीशन है वो क्या होगी, वी हैव अ पैरेलल लाइंस। तो हमें यहाँ क्या मिलेंगे, पैरेलल लाइंस मिलेंगे। और हम भी जब जानते हैं कि जब भी पैरेलल लाइंस होती तो हमें क्या सॉल्यूशन मिलते हैं, वी गेट नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा सिस्टम हुआ वो इनकंसिस्टेंट हुआ, हेंस आवर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो जब यहाँ इनकंसिस्टेंट हुआ तो हमें यहाँ सॉल्यूशन ही नहीं मिला। तो अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है 2x + y - 6 = 0 और है 4x - 2y - 4 = 0। तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या मिल गई, 2, b1 की वैल्यू मिल गई 1, एंड c1 की वैल्यू मिल गई -6, a2 की मिल गई वैल्यू 4, b2 की वैल्यू मिली -2, और जो c2 की वैल्यू मिली वो -4 मिली। अब हम रेशियोज देख लेते हैं, तो यह हो जाएगा a1 by a2 इक्वल्स टू 2/4 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2, b1 by b2 इक्वल्स टू 1/-2, एंड c1 by c2 इक्वल्स टू -6/-4। जो दोनों हैं उनका कॉमन फैक्टर क्या है, 2, तो हम दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, एंड माइनस साइन ऊपर नीचे प्लस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 3/2। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है a1 by a2 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइन होगी वो क्या होगी, एक जगह के पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, हेंस वी गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो अब इसके दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं इक्वेशंस लिख लेती हूँ, 2x - y - 6 = 0 एंड 4x - 2y - 4 = 0। अब यहाँ एक्स वाई कॉलम बना लेती हूँ मैं। अब क्या करते हैं हम, एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, y = y - 6 = 0 विच गिव अस y = 6। इसी तरह अगर हम y की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, तो हमें मिल जाएगा 2x = 6 विच गिव अस x = 3। 6 को मैंने इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर दिया, इसीलिए वो पॉजिटिव 6 हो गया है। तो हमारा ये होगा 3,0। यहाँ हम क्या करते हैं,
एक्स को हम जीरो रख देते हैं तो ये हमें मिलेगा 2y इक्वल्स माइनस 4 इक्वल्स टू ज़ीरो एंड y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2। और यहाँ से हमें मिलेगा y इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ मैं लिख लेती हूँ y इक्वल्स टू ज़ीरो, तो हमारा मिलेगा 4x माइनस 4 इक्वल्स टू ज़ीरो एंड x इक्वल्स टू हमारा 1 मिल जाएगा। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x इक्वल्स टू 4, 4 4 दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी गेट 1। तो ये हो जाएगा y 0 लिया, x की वैल्यू क्या है ये 1। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं हम, तो ये रहा ग्राफ। जो हमारा पहला है वो क्या है 0,6 है और दूसरा क्या है 3,0। तो 0,6 कहाँ आएगा, कुछ यहाँ आएगा 0,6 ये वाला पॉइंट है, और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है 3,0 पॉइंट ये आएगा कुछ। तो इसको मैं ग्रीन कलर के स्केच पेन से ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा, कौन से लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू ज़ीरो। और जो हमारे दूसरी लाइन है वो उसके पॉइंट क्या है 0,-2 और 1,0। तो 0,-2 कहाँ आएगा, 0,-2 यहाँ आएगा और जो दूसरा पॉइंट है 1,0, तो ये 1,0 ये रहा पॉइंट। अब जब हम इनको मैं रेड स्केच पेन से ड्रॉ करती हूँ, तो मैंने इसे रेड स्केच पेन से ड्रॉ कर दिया और इस लाइन का भी इक्वेशन हम लिख देते हैं। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 4x माइनस 2y माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0। अब देख रहे हैं हम इन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये है, इसका मतलब इसका x एक्सिस भी 2 पे लाई कर रहा है और y एक्सिस भी 2 पे। तो इसका मतलब इसके पास का जो सॉल्यूशन क्या होगा वो 2,2 होगा। तो हम लिख देंगे हैंस सॉल्यूशन इज 2,2, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, ये फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, तो मैं फोर्थ पार्ट लिख लेती हूँ, वो है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। a1 a2 b1 b2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है माइनस 2, c1 की वैल्यू है माइनस 2, a2 की वैल्यू है 4, b2 की वैल्यू है माइनस ऑफ 4, c2 की वैल्यू माइनस ऑफ 5। तो हमें क्या मिलेगा, a1 by a2 हमें मिलेगा 2/4 यानी कि 1/2, b1/b2 हमें मिलेगा -2/-4, वी गेट 1/2, c1/c2 हमें मिलेगा -2/-5, ये हो जाएगा 2/5। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और जो ये कंडीशन होती है वो किसकी होती है, पैरेलल लाइन की कंडीशन। ये क्या है, पैरेलल लाइन, ये क्या है, पैरेलल लाइन से हमारी। और इसका मतलब क्या होता है, हमें नो सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है, नो सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा सिस्टम क्या होगा, हैंस सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सॉरी इनकंसिस्टेंट, क्योंकि हमारे यहाँ सॉल्यूशन कोई है ही नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।